हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज की वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है फार्माकोलॉजी एंड आज का जो टॉपिक रहेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर आज मैं मोर देन 50 एम सी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से तो so, पहला क्वेश्चन है कॉलिनर्जिक एम एंड एम रिसेप्टर्स प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट तो एम टू एंड एम थ्री किस टाइप का इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो so, चार स्टेटमेंट दी गई हैं पी स्टेटमेंट है डिक्रीज हार्ट रेट तो जो एम टू है वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है देन डायलिटेशन इफेक्ट ऑन सेबरी लैंड तो सेलिवेशन uh, को इंक्रीज हो इंक्रीज होती है एम थ्री रिसेप्टर से जब डायलिटेशन इफेक्ट आता है तो उसकी वजह सेलिवेशन जो है वो इंक्रीज होती है हार्ट रेट इसमें डिक्रीज होता है एंड इसका इरेक्टाइल टिश्यू पे कोई फंक्शन नहीं रहता है तो so, इसमें स्टेटमेंट पी एंड क्यू जो है वो करेक्ट रहेगी सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इनमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है सो स्टेटमेंट पी है सब्सटांस पी इज लोकेटेड एट सिंपथेटिक गेंग्लिया तो जो सब्सटांस पी है वो सिंपथेटिक गेंग्लिया पे लोकेटेड रहता है एंड ये एक को ट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कॉलिन के साथ में देन स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है क्यू स्टेटमेंट है न्यूरोपेप्टाइड बाई इज लोकेटेड एट पोस्ट गेंगलियोनिक सिंपेथेटिक न्यूरोन सो जो न्यूरोपेप्टाइड बाई है वो पोस्ट गेंग्लियनिक सिंपेथेटिक न्यूरोन पे लोकेटेड रहता है सो so, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है द नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड लोकेटेड एट इंटेरिक न्यूरोन्स तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एंटेरिक न्यूरोन्स पे लोकेटेड नहीं रहता है देन नेक्स्ट है गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हॉर्मोन इज नॉट लोकेटेड एड सिंपेथेटिक गंग्लिया तो जो गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन है वो लोकेटेड रहता है ठीक है सिंपथेटिक गंग्लिया पर ही लोकेटेड रहता है तो so, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी तो इसमें स्टेटमेंट पी एंड क्यू जो है वो दो स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी दैट्स मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इनमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है सो स्टेटमेंट पी है गावा ट्रांसमीटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टेल्टिक इफेक्ट तो जो गावा ट्रांसमीटर है वो पेरिस्टेल्टिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेरिस्टेल्टिक इफेक्ट हमने देखा था मूवमेंट जो फूड की होती है थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में हमने देखा है सो गावा ट्रांसमीटर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है द नेक्स्ट है न्यूरोपेप्टाइड बाई फैसिलिटेट्स कंस्ट्रक्शन एक्शन ऑफ एडनलिन एंड इनहिबिट्स एडनलिन रिलीज तो ये इसका फंक्शन नहीं रहता है न्यूरोपेप्टाइड बाई का देन स्टेटमेंट आर है सबस्टांस पीज को ट्रांसमीटर विद एसिटाइल कॉलिन तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि सब्सटांस पी जो है वो सिंपथेटिक गेंगलिया पे लोकेटेड रहता है एंड ये ऐसे टाइल के साथ एक को ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है सो so ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है देन डोपामाइन ट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसो कंस्ट्रिक्शन सो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसो कंस्ट्रिक्शन सो ये स्टेटमेंट रोंग हो जाएगी तो इसमें स्टेटमेंट पी एंड आर जो है वो करेक्ट है सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द एगोनिस्ट ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर अल्फा थ्री टू तो अल्फ़ा थ्री टू अल्फ़ा थ्री टू निकोटेनिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट ड्रग हमें आइडेंटिफाई करना है अल्फा थ्री टू निकोटेनिक रिसेप्टर है जो उसका एगोनिस्ट एगोनिस्ट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो शो करेगा सो so, कार्बाकोल एक ड्रग आता है इसमें एंड दूसरा ड्रग जो है वो रहेगा एग्जामिथोनियम सो so, ये दो ड्रग जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एन एगोनिस्ट ऑफ निकोटेनिक रिसप्टर तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा पी एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एगोनिस्ट ऑफ रिसेप्टर तो मस्करेनिक रिसेप्टर एम टू एम टू स्पेसिफाई किया गया है तो so, का एगोनिस्ट कौन सा है सो एम टू में आपका एक तो कार्बाकोल आ जाता है ठीक है कार्बाकोल जो हमने देखा कि निकोटिनिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट भी है एंड कार्बाकोल जो है वो आपका मस्करेनिक रिसेप्टर एम टू का भी एगोनिस्ट है इसके साथ में टेल्साक्लिडिन जो है ये भी आपका एगोनिस्ट रहता है मस्करेनिक रिसेप्टर का सो इसमें आर एंड एस जो है वो करेक्ट रहेंगे मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द एंटागोनिस्ट ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर अल्फा वन टू ठीक है अल्फा वन टू का एंटागोनिस्ट कौन है यहाँ पे एगोनिस्ट नहीं एंटागोनिस्ट पूछा गया है मीन्स जो निकोटिनिक रिसेप्टर पे ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा सो so, इसमें आपके जो ड्रग रहेंगे वो रहेंगे एट्राकुरियम एंड बेकुरोनियम ठीक है एट्राकुरियम एंड बे जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर दैट इज अल्फा वन टू इसके एंटागोनिस्ट हैं तो इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट रहेगा आर एंड एस नेक्स्ट क्वेश्चन है एम टू रिसेप्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग इफेक्ट्स जो हमारा एम टू रिसेप्टर है वो किस इफेक्ट को के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो एम टू रिसेप्टर एक तो कार्डियक इन्हीवेशन करते हैं एंड दूसरा न्यूरल इन्हीवेशन कार्डियक इन्हीविशन एंड न्यूरल इन्हीविशन जो है ये करते हैं सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर so, रहेगा दे नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ड्रग्स लोअर द इंट्राओकुलर प्रेशर तो इंटरा इंटराओकुलर प्रेशर को लो कौन से ड्रग करेंगे सो दीज ड्रग्स आर पिलोकार्पिन एंड दूसरा है आपका लेनोप्रोस्ट सो पिलोकार्पिन एंड लेनोप्रोस्ट का क्या इफेक्ट रहेगा ये इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे कम करेंगे सो so, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस फॉलोइंग ड्रग्स इज़ वाइडली यूज तो ये डिजीज़ आपको याद रखनी है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंन्स सो इस कंडीशन में कौन से ड्रग का यूज़ किया जाएगा सो so, जो ड्रग है दैट इज़ डेरीफेनासिन डेरीफेनासिन का यूज़ किया जाएगा यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस के लिए सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबो कुर इज सो ट्यूबो कुरार का मेन साइड इफेक्ट क्या है तो ट्यूबोक्रेन का मेन साइड इफेक्ट रहता है आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड कार्ड एंड हाइपोटेंशन कार्डियक में नहीं है एक तो आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रहेगा एंड दूसरा आपका रहेगा हाइपोटेंशन तो इसमें क्यू एंड आर है आपका ऑप्शन डी में सो तो ऑप्शन डी इज करें नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इसमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है सो पी स्टेटमेंट है हेमिकोलिनियम इनहिबिट्स द एसिटाइल कॉलिन सिंथेसिस सो जो हेमिकोलिनियम है वो एसिटाइल कॉलिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है तो so ये स्टेटमेंट करेक्ट है देन पैराथायोन इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंटीकोलिनस्ट्रेज सो ये शॉर्ट ड्यूरेशन एंटीकोलिनस्ट्रेज नहीं है देन बोटुलिनम टॉक्सिन इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिन रिलीज सो so, जो बोटुलिनम टॉक्सिन है वो एसेटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट करता है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट द नेक्स्ट है फिजोस्टिगमिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस सो फिजोस्टिगमिन जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है सो so, ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी सो so, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास दैट इज पी एंड आर दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस द बेस्ट एजेंट फॉर डिस्टिंग डिस्टिंग बिटवीन माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कॉल इनर्जी क्राइसिस गिवन इंटरवेनसली इज माइस्थेनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट एजेंट यूज किया जाता है माइस्थेनिक क्राइसिस और कॉलिनर्जी क्राइसिस को डिस्टिंग्विश करने के लिए जब उसको इंट्रावेनसली दिया जाता है सो दिस इज एड्रोफोनियम, तो इसमें जो ड्रग है वो है एड्रोफोनियम ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉरिंग ड्रग में कॉज साइक्लोप्लेजिया वेन यूज टॉपिकली इन द आई तो कौन सा ड्रग साइक्लोपेजिया जो है वो कॉज करेगा जब उसको टॉपिकली आई में यूज़ किया जाएगा सो द ड्रग इज एट्रोपिन ठीक है एट्रोपिन ड्रग जो है वो साइक्लोपेडिया कोहस कर देता है जब उसको टॉपिकली आई में यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक सो एपिनेफ्रिन को लोकल एनेस्थेटिक में क्यों ऐड किया जाता है तो इसका जो मेन रीजन है वो है कि जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक हैं उनके एक्शन को प्रोलोंग करने के लिए बढ़ाने के लिए एपी को इसमें ऐड किया जाता है सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोस्टिगमिन so में कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सो नियोस्टिगमिन इनमें से कौन सा इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तो so नियोस्टिगमिन जो है वो आपकी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को ब्लॉक कर देगा रिवर्सिबल इनहिबिशन करेगा एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज की कॉन्स्टिपेशन ये नहीं करेगा डायरिया कॉज करेगा एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी ये कॉज करेगा तो so इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो नियोस्टिगमिन की वजह से नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर बीटा टू रिसेप्टर अब बीटा टू रिसेप्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ठीक है दोनों स्टेटमेंट आपको याद भी होनी चाहिए कि जो हमारे बीटा टू रिसेप्टर्स हैं इट प्रोड्यूसेस ग्लाइकोजेनोलाइसिस इफेक्ट ठीक है बीटा टू रिसेप्टर्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मीन्स ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस देन इट प्रोड्यूसिस लाइपोलाइसिस इफेक्ट ठीक है तो जो बीटा टू रिसेप्टर हैं वो लाइपोलाइसिस इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं ठीक है एंड ये यूट्रस को रिलैक्स करते हैं डेफिनेटली ये यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए बीटा टू जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एंड इट प्रोड्यूस कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑन ब्रोंकाई सो ब्रोंकाई पे इनका कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट जो है वो नहीं रहता है सो so, इसमें स्टेटमेंट पी एंड आर जो है वो दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रिटोड्रेन रिटोड्रेन के लिए ट्रू स्टेटमेंट इसमें हमें फाइंड आउट करनी है तो so, रिटोड्रेन जो है वो आपका बीटा टू एगोनिस्ट होता है ठीक है ये आपका बीटा टू एगोनिस्ट होता है एंड अरेदमिया प्रोड्यूस करता है एज अ साइड इफेक्ट ठीक है इट विल प्रोड्यूस अरेदमिया एज ए साइड इफेक्ट बाकी ये बीटा वन एगोनिस्ट नहीं है इट इज अ बीटा टू एगोनिस्ट एंड ये नेसल डी में यूज नहीं किया जाता है तो so इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है पी एंड क्यू दैट मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लेवेटा लॉल तो लेवेटा लोल के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या क्या है तो स्टेटमेंट पी है इट इज अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट ठीक है सो so, जो लेवेटा लोल है वो अल्फा एज वेल एज बीटा एंटागोनिस्ट है दोनों रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करता है देन इट प्रोड्यूस टेकी कार्डिया साइड इफेक्ट टेकी कार्डिया ये प्रोड्यूस नहीं करता है देन इट इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट ठीक है ये अल्फ़ा एंड बीटा एंटागोनिस्ट है इट इज नॉट ए नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट एंड ये हाइपर टेंशन में यूज किया जाता है स्पेसिफिकली इन प्रेगनेंसी ठीक है सो पी एंड एस ये दो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन ओवर डोजेज में कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सो एट्रोपिन की ओवर डोज से इनमें से कौन सा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा तो माओसिस इंक्रीज हार्ट रेट रिलैक्सेशन ऑफ जी आई जी आई टी स्मूथ मसल्स एंड मेंटल एब्रेशन तो इसमें हमें हार्ट रेट भी बढ़ेगी जी आई स्मूथ मसल्स का रिलैक्स हो जाएंगे एंड मेंटल एब्रेशन ये तीन इफेक्ट जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिलेंगे कि इसमें एट्रोपिन ओवरडोज में ठीक है लेकिन माओसिस कंडीशन जो है वो हमें इसमें एट्रोपिन की ओवरडोज में इफ़ेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है औरली इफेक्टिव सिम्पैथोमीमेटिक्स एजेंट्स इज तो औरली इफेक्टिव सिम्पैथोमीमेटिक एजेंट कौन से हैं ऐसे सिम्पैथोमीमेटिक एजेंट जो कि ओरली इफेक्टिव होंगे ठीक है चार रख दिए गए हैं एपिनेफ्रिन, आइसो आइसोप्रोट्रेनोल एफेड्रीन एंड एम्फिटामाइन सो औरली जो इफेक्टिव रहेंगे वो रहेंगे आपके एक तो आपका एफेड्रीन रहेगा एंड दूसरा आपका एम्फिटामाइन ये दो ड्रग जो हैं वो ओरली इफेक्टिव रहेंगे एज अ सिंपैथोमीमेटिक एजेंट सो इसमें आर एंड एस करेक्ट हैं दैट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलोकार्पिन इज क्लासिफाइड एज सो पिलोकार्पिन किस क्लास का ड्रग है सो इट इज अ कोलिनोमीमेटिक ड्रग पिलोकार्पिन इज अ कोलिनोमिमेटिक ड्रग ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्रेनोलोल इज कॉन्ट्राइंडेटेड इन पेशेंट्स वेद सो प्रोप्रेनोलोल किस पेशेंट्स में काउंट्राइंडेट किया जाता है सो so, ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स में प्रोप्रेनोलोल को कौंट्राइंडेट किया जाता है कॉन्ट्राइंडेसन वाले आपको सारे ड्रग याद रखने हैं ड्रग एंड उसकी कौन सी कंडीशन है ठीक है तो प्रोप्रेनोलोल को कौंट्रा इंडिकेट किया जाता है ग्लूकोमा के केस में सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट पैराथायोन ऑर्गेनिक फॉस्फेट पैराथायोन ठीक है ड्रग है पैराथायोन जो कि एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट ड्रग है सो so, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सो so, पैराथायोन जो है वो फ़ास्फोराइलेशन करवाता है एस्टेरेटिक साइट की ऑफ कोलिनस्ट्रेस ठीक है कोलिनेस्ट्रेसिस के एस्टेरिक साइट की फॉस्फोराइलेशन करेगा कौन पैराथायोन ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्करेनिक रिसेप्टर एम थ्री आर मेनली लोकेटेड एट तो जो मस्करेनिक रिसेप्टर एम थ्री वो मेनली किस बॉडी पार्ट में जो है वो लोकेटेड रहेंगे सो दे आर लोकेटेड इन एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में होते हैं एंड दूसरे जो हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पे स्टेटमेंट पी है ऑप्शन पी है एंड ऑप्शन एस है सो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन दो लोकेशन पे रहेंगे दैट मीनस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोस्टिकमीन इफेक्टिवली एंटागोनाइजेस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस्ड बाय तो नियो जो है वो एंटागोनाइज करता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन को जो कि किस ड्रग से प्रोड्यूस होती है ठीक है इनमें से कोई ड्रग है जिसकी वजह से स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट हमें प्रोड्यूस होगा लेकिन उस इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज कर देता है नियोस्टिकमीन तो इसमें सिंपली पूछा गया है कि ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट है वो किस ड्रग की वजह से प्रोड्यूस होगा तो so, इसमें टीवोकुरारिन गैलामाइन पेनकुरोनियम ये तीनों ड्रग जो हैं वो रिस्पॉन्सबल रहते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन के लिए एंड इनके इफेक्ट को एंटागोनाइज करता है आपका नियोस्टिक सो so, इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्करेनिक रिसेप्टर एम फोर आर मेनली लोकेटेड एट तो मस्करेनिक रिसेप्टर एम फोर मेनली कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं ऑप्शन ए है एक्जोक्राइन ग्लैंड बी है आपका सेरेब्रल कोर्टेक्स सी है हर्ट एंड डी है सी एन एस तो एम फोर रिसेप्टर जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लोकेटेड रहते हैं मेनली सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है तो इट इज़ फीजोस्टिगमिन फिजोस्टिगमिन इज द एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन ब्लॉक्स द मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कॉलिन बाय सो एट्रोपिन एसिटाइल कॉलिन के मस्करेनिक एक्शन को कैसे ब्लॉक करता है तो so, ये एसिटाइल कॉलिन सिंथेसिस को इनहिबिट करके इसके एक्शन को ब्लॉक करता है साथ में स्टेटमेंट बी दी गई है इनहिबिटिंग रिलीज फ्रॉम स्टोरेज साइट जो स्टोरेज साइट पे एसिटाइल कोलिन होता है उसके रिलीज को भी इनहिबिट कर देता है और ये एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर है आपके एसिटाइल कोलिन का सो so ये कंपीट करता है रिसेप्टर साइट पे, सो so ये तीनों ही आपके जो है वो एक्शंस uh, रहते हैं जिसकी हेल्प से एट्रोपिन जो है वो एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है इसके एक्शंस को ब्लॉक करता है सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेटिंग इज इनहिबिटेड बाय तो so स्वेटिंग हम किस एजेंट या किस ड्रग की हेल्प से इनहिबिट कर सकते हैं स्वेटिंग so को इनहिबिट किया जा सकता है एट्रोपिन से फेनोथायाजीन से स्कोपोलामाइन से ठीक है तीनों ही ड्रग्स के हेल्प से स्वेटिंग को इनहिबिट किया जा सकता है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा एगोनिस्ट यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा एक्जर्ट एक्शन बाय जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं जो कि ब्रोंकिल अस्थमा में यूज किए जाते हैं वो किस मीन्स uh, अपना जो एस्थमैटिक एक्शन होता है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं क्या उसका एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है सो so इसमें बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ये अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एजेंट ए रिवर्सिबली बाउंड विद एसेल कोलिनेस्टरेज सो इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो एसेटाइल कोलिनेस्टरेज के साथ एरिवर्सिबली बाउंड करता है एरिवर्सिबली ए रिवर्सिबल नेचर से बाइंड करता है किसके साथ एसेटाइल कोलिनेस्टरेज के साथ सो दिस ड्रग इज ईकोथायोपेट एंड डिस प्रोपाइल फ्लूरोफोस्फेट ये दोनों ड्रग जो हैं वो इरिवर्सिबली बाउंड करते हैं एसिटाइल कोलिन के साथ सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एलकुरोनियम इज सेमी सिंथेटिक डेरीवेटिव वे सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलकुरोनियम जो है वो एक सेमी सिंथेटिक डेरीवेटिव है एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस ड्रग्स के साथ सिमिलर हैं सो so, जो डी ट्यूबो है ठीक है ये ड्रग जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके सिमिलर ही एलक्रोनियम की प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन जो क्रोनियम है वो एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है सो द ड्रग इज़ डोपामाइन ठीक है डोपामाइन जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा ड्रग यूज किया जाता है सो इट इज प्रेलीडॉक्सिम प्रेलीडोक्सिम जो है वो एंटागोनिस्ट है किसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ डी टूक्री टू का एक्शन क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है so ये है ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है एक तो आपको इसमें रिसेप्टर याद रखना है दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर एंड जो इसका इफेक्ट है वो कैसा होता है कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इसिबल कैसा है तो so इसका कम्पिटिटिव ब्लॉकेड होता है निकोटेनिक रिसेप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजिवल हाइपर प्लासिया इज एन ओरल कंडीशन पॉसिबल इन यूजिंग तो हाइपर प्लासिया जो है वो एक एक ओरल कंडीशन है जो कि किस ड्रग के यूज के साथ पॉसिबल है सो इट इज पॉसिबल विथ फिनाइटोइन एपिलेप्टिक ड्रग इस ड्रग के साथ एक कंडीशन जिंजिवल हाइपर प्लेसिया जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज अ रि एक्टिवेटर इनमें से कौन सा एजेंट एस्टरेज रि एक्टिवेटर है सो द ड्रग इज इज एन कोलिनेस्टरेज रि एक्टिवेटर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट्स दॉलेन सिंथेसिस इनमें से कौन सा ड्रग एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा सो द ड्रग इज बेसेमिकोल ड्रग इज बेसेमिकोल ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टैकीफाइलेक्सिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ सो टेकीफाइलेक्सिस किसका एक अनवांटेड इफेक्ट है मींस अनवांटेड या साइड इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट है किस ड्रग का सोटेकीफाइलेक्सिस so, जो है वो हमें एफेड्रिन के यूज़ के साथ जो है वो देखने को मिलता है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेशन ऑफ अल्फ़ा टू रिसेप्टर्स इन द पेनक्रियाटिक आइलेट्स कॉजेज सो पेनक्रिएटिक आइलेट्स में अल्फ़ा टू रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन क्या कॉज करती है सो इट विल कॉज इज द सप्रेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन ठीक है इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो इसमें सुप्रेस हो जाएगी एंड ग्लूकागोन सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरीफेनासिन इज अफेनासिन क्या है तो so डेरीफेनासिन जो है वो एक मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है एंड इसमें मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है स्पेसिफिकली एम थ्री एम थ्री एंटागोनिस्ट है ये सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इनमें से कौन से ड्रग जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे सो द ड्रग इज नियोस्टिगमिन नियोस्टिगमिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा फिजोस्टिगमिन एंड एट्रोपिन ये क्रॉस कर लेंगे सो ऑप्शन बीज करें नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज़ सो कार्डियोजेनिक शॉक की ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहता है तो कार्डियोजेनिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका डोपामाइन इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है दैट इज़ डोपामाइन जो है वो यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शौक ड्रग ऑफ चॉइस रहता है इस कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मसल रिलेक्सेंट रिलैक्सेंट हैज़ पेरीफरल एक्शन कौन सा मसल रिलैक्सेंट जो है उसका पेरीफरल एक्शन होता है इसकी जब आप क्लासीफिकेशन पढ़ेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तो उसमें आपको पूरी क्लासीफिकेशन मिल जाएगी कौन पेरीफ्रली एक्ट करता है कौन सेंट्रली एंड जो भी अदर इसमें पॉसिबल कंडीशन रहती हैं पूरी क्लासीफिकेशन में आपको पता लग जाएगा तो इसमें जो पेरीफ्रली एक्ट करता है दैट इज़ डी ट्यूबो को रेन ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलोकार्पिन इज बेस्ट यूज इन सो so, पिलोकार्पिन किस कंडीशन में यूज किया जाता है सो इट इज बेस्ट यूज इन ओपन एंगल ग्लूकोमा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमोलोल रिड्यूसेस द इंट्राओकुलर प्रेशर बाय विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टीमोलॉल जो है वो इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करता है किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सो इट विल रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर बाय एंटागोनाइजिंग द बीटा एडनो रिसेप्टर्स ठीक है बीटा एडनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह ये एक्ट करता है जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है कौन सा ड्रग करता है टिमोलोल नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लीवर वन ऑफ द फॉलोइंग एडनो रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल सो लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए कौन सा एडनो रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है सो इट इज अल्फा वन रिसेप्टर यह रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका अल्फ़ा वन रिसेप्टर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट जो कार्डिक इफेक्ट होता है आपका एपिनेफ्रिन ड्रग का उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं रहेगा सो so जो कार्डिक इफेक्ट होता है एपिनेफ्रिन का वो एक्ट करता है बीटा रिसेप्टर्स पे ऑन मायोकार्डियम ठीक है हार्ट के बीटा रिसेप्टर पर एक्ट करता है कार्डिक अरिदमिया को इंड्यूस करता है बाय ठीक है जो कार्डिक अरिदमियाज इंड्यूस हुए होते हैं उनको ब्लॉक करता है बाई प्रोप्रेनलोल रिफ्रैक्टरी पीरियड एवी नोड्स का प्रोलोंग नहीं होता है इसमें एंड डिक्रीज़ करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द टी वेव्स इन द ई सी जी में टी वेव्स के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है सो so, ये तीन आपके कार्डिक इफ़ेक्ट होते हैं एपिनेफ्रिन के लेकिन प्रोलोंगेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एवीनोट्स इज नॉट एन इफेक्ट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियस अनवांटेड इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन इज सो एपिनेफ्रिन का सीरियस अनवांटेड इफेक्ट कौन सा है सो so, एपिनेफ्रिन का अनवांटेड इफेक्ट रहता है आपका सेरिव्रल हैमेज इट इज़ अ वेरी सीरियस अनवॉन्टेड इफेक्ट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेसिस मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहता है सो इट इज़ स्कोपोलामाइन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वैलाडोना पॉइजनिंग कन्वर्जेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैलाडोना पॉइजनिंग में कन्वर्जेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सो दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ डाइजिपाम ठीक है बेलाडोना पॉइजनिंग कंबल को कंट्रोल किया जाता है डाइजी पाम से ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन आर इज यूज प्रायर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स ड्यू टू टॉल ड्यू टू जो एट्रोपिन है वो यूज की जाती है जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ठीक है एट्रोपिन का जनरल एनेस्थेटिक एजेंट के यूज़ से पहले इसको एडमिनिस्टर करवाया जाता है उसके पीछे का रीज़न क्या है तो so, रीज़न ये है कि जब एट्रोपिन का यूज़ किया जाएगा तो so, एट्रोपिन जो है वो सलाइवेशन को इनहिबिट कर देगा एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रिशंस है उनको भी इनहिबिट कर देगा ठीक है जिसकी वजह से जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स का इफेक्ट जो है वो बेटर होगा तो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन क्लोनीडिन का मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है तो क्लोनीडिन जो है वो ड्राइनेस करता है माउथ की ऑप्शन so, डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है मेजर साइड इफेक्ट है ड्राइंग ऑफ माउथ ऑफ क्लोनिडिन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेंगलियनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स मेकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट जो गेंगलियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो इनमें से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे सो दे गेंगल्योनिक ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग एजेंट्स प्रोड्यूस माइड्राइसिस लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिड्यूस वेटिंग इन्हीविट इरेक्शन एंड इजैकुलेशन ठीक है सो माय ड्रेसिस भी कॉज करेंगे अकोमोडेशन का लॉस भी होगा स्वेटिंग भी रिड्यूस होगी लेकिन इरेक्शन एंड इजैकुलेशन इन्हीविट इसमें नहीं होगी सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सो so यहाँ पे हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एम सी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं टोटल फिफ्टी सिक्स एम सी क्वेश्चन हमने इस टॉपिक के कवर किए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच